सब्सक्राइब कीजिए संज्ञान संग्रह यूट्यूब चैनल को। आज इस वीडियो में जानते हैं कोरोना का नया स्ट्रेन के विषय में। तो हम लोग जानते हैं कि कोरोना डेल्टा के बाद कोरोना डेल्टा प्लस का नया मामला सामने निकल कर आया है। तो चलिए आज इस वीडियो में डेल्टा प्लस को देखते हैं। वायरस की विभिन्न वेरियंट से जानते हैं। अल्फा डेल्टा बीटा एक वेरियंट है, म्यूटेशन के बाद वेरियंट बनता है। और हम लोग जानते हैं कि म्यूटेशन, जब किसी वायरस में म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होता है, तो उससे एक नया वेरियंट बनता है। और वेरियंट एक परिवर्तन ही है जो कि म्यूटेशन से बनता है। तो चलिए आज म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। तो म्यूटेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस की आकृति, गतिशीलता एवं रोधक क्षमता बढ़ती है। वायरस 100 गुना ज़्यादा गतिमान और शक्तिशाली हो जाता है। हाल ही में भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने निकल कर आया है। कहा जाता है कि डेल्टा के बाद ही डेल्टा प्लस बनता है और करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुकी और दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरियंट का खतरा मंडराने लगा है। चलिए डेल्टा प्लस को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी के तरह ही, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के तरह ही कोरोना वायरस का भी कोशिकाएं होती है और थ्रीड जैसा स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन और प्रोटीन से बनती है स्पाइक। और स्पाइक क्या होती है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो मनुष्य के जो फेफड़े होती है, फेफड़े को नष्ट कर देती है, खोखला कर देती है, संक्रमित कर देती है। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, यानी वैक्सीन अवश्य लें। वैक्सीन में क्या होती है कि जब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है जिसके अगेंस्ट हम लोग बॉडी लड़ने में, कोरोना वायरस से 100% लड़ने में सक्षम होती है। तो आप वैक्सीन अवश्य लगाएं। तो चलिए हम वैक्सीनेशन के बाद हम लोग जानते हैं वायरस के लक्षण एवं समस्याएं के विषय के बारे में। तो वायरस के लक्षण एवं समस्याएं, तो मुख्यतः रूप से सांस से जुड़ी समस्याएं, सरदर्द एवं तेज बुखार, ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। बचाव के उपाय, वैक्सीन अवश्य लगाएं, मास्क एवं 2 गज की दूरी अवश्य पालन करें, 2 गज की दूरी अवश्य पालन करें और वैक्सीन अवश्य लगाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो कहा जाता है कि ये मुख्यतः बचने के कुछ उपाय हैं और लक्षण हैं। तो ये वायरस के बारे में आप लोगों को यदि कम ज्ञान लगे तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।